पत्रकारिता है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि अभी क्या स्टैंड है बिहार में या फिर भारत देश में उसका स्टैंड? उर्दू का बहुत अच्छा स्टैंड है, यही वजह है कि जिस पेपर में हम आए वो 2006 में आए थे, जैसे हम अभी यहाँ रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में देखते ही देखते 9 सेंटर्स शुरू हो गया पूरे हिंदुस्तान में, 9 सेंटर अभी 11 सेंटर शायद हो गया। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है कि शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं था लेकिन अब बढ़ते बढ़ते 11 सेंटर से शुरू हो गया, जबकि आपके यहाँ बिहार में और झारखंड में 2 जगह से अब निकलने लगा है। पत्रकारिता में इतनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? कोई ख़ास कठिनाई नहीं है और लोगों का ये बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलता है, ख़ासकर जो लेडीज़ होती हैं उनको भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं जो स्टाफ होते हैं वहाँ, जो ख़ासकर सीनियर स्टाफ होते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग की का मामला हो, एडिटिंग का हो, कुछ भी हो। चूँकि हम शुरू में बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे लेकिन वहाँ जाने के बाद लोगों का बहुत सहयोग मिला, काफ़ी कोऑपरेट मिला। जब आप करती हैं तो ज़्यादातर हम डेस्क पर ही रहते हैं, हम सब एडिटर हैं। मतलब पत्रकारिता में आप लड़कियों को किस तरीके से देखती हैं कि महिलाएं कितना बाहर निकल के आ रही हैं, उर्दू पत्रकारिता जो एक अलग लैंग्वेज है वो ज्वाइन कर रही हैं उस अखबार में? देखिए आप इधर देखते हैं कि उर्दू पत्रकारिता में ख़ासकर लड़कियों का रुझान बढ़ा है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स किया तो उन्होंने जो हमारे हेड थे उन्होंने कहा कि पहले ये कोर्स था नहीं लेकिन लोगों की मांग पर ख़ासकर लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि हम इस ये कोर्स करें, तो वहाँ से एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लड़कियाँ पढ़ रही थी। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम के लिए उर्दू लैंग्वेज है, मतलब वो ज़्यादा लोग तब उसमें आते हैं, तो क्या मतलब मुस्लिम महिलाओं को उसमें आने में दिक्कतें हो रही हैं या फिर उसके घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए अगर खुद में अगर खुद एतमादी हो अपने ऊपर, इतना अगर अपना जज्बा हो कि हमें इस लाइन में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को इस लाइन से रोकने की ज़रूरत है। और अगर स्टूडेंट चाहता है कि हम इस लाइन में जाएंगे, इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो वो चाहें तो घर वाले को भी इस लाइन इसमें मतलब रजामंद कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो पर्दे से निकल के और बाहर पत्रकारिता की दुनिया में आना जिसमें जोखिम है, मतलब कहा जाता है कि बहुत जोखिम, तो मतलब लड़कियां इसमें क्या हिचकिचाती हैं या फिर अभी मतलब मुस्लिम पहले लिए हिचकिचाती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ रही हैं और इस लाइन में आ भी रही हैं और बहुत सारी मिसालें हैं अभी जो पहले देखने को नहीं आती थी, आज से 10 साल पहले नहीं देख सकते थे लेकिन अब बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिपोर्टिंग में भी चली जाती हैं, डेस्क पर भी काम करने को तैयार होती हैं, चाहे कंप्यूटर को ऑपरेट करना हो उस पर भी करती हैं। मेरी ऑफिस में 4 लड़कियां हैं जिसमें 2 एक मैं सब एडिटर हूँ, 3 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। मेरा नाम नाजिया नौशाद।